वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में दो बहुत ही ब्रांड न्यू टैंक्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। दोनों टैंक जो है बड़ी ही बेहतरीन है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो अपनी पहली वाली टैंक है, इसका नाम है फाइटिंग टैंक। नाम से ही पता चल रहा है गाइस, ये जो टैंक है कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो अपनी दूसरी वाली टैंक, ये एक स्पाई टैंक है, इसके अंदर कैमरा वैमरा भी लगा हुआ है गाइस। बड़ी मजेदार टैंक है दोनों की दोनों। चलो गाइस फटाफट से दोनों टैंक्स को पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। छोटे बच्चों के लिए ये जो टैंक है बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 14 प्लस लोगों के लिए ही इसको बनाया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक टैंक है गाइस। यहाँ पे इसके क्या क्या मेन फीचर्स दिए हुए हैं, अगर आप इस टैंक को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को व्यू प्रोडक्ट बोलकर ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे टैंक का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस टैंक का बाय लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहां से जाकर भी खरीद सकते हो। चलो बॉक्स को जो है अपन यहाँ से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यार अपने टैंक की क्वालिटी कैसी है। टैंक तो बड़ी महंगी मैंने खरीदी है दोस्तों, ये देखो यार टैंक जो है अपनी आ चुकी है बाहर। इसके साथ बहुत सारा सामान भी मिलता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सच बताऊं तो गाइस जिस तरह की रियल टैंक होती है उससे भी ज्यादा अच्छी है मेरे को लग रही है। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है भाई साहब। एक चीज इसके अंदर देखो यार, टैंक के अंदर मैग्नम व्हील्स लगा रखे हैं, पूरी तरीके से यूनिवर्सल व्हील है, ताकि ये जो टैंक है अपन कोई भी डायरेक्शन में काफी सही तरीके से चला सके। ऊपर का इसका ये जो कैनन देखो यार, क्या ही जबरदस्त है यार। ये पूरा टर्न नहीं हो रहा है, बस इतना ही टर्न होता होगा। बहुत ही ज्यादा मॉडर्न डिजाइन है इसका, सामने से लुक देखो यार एकदम गजब का है। अच्छा ये जो टैंक है यहाँ से वाटर बुलेट्स फायर करती है, वाटर बुलेट जो है अपने को शायद यहाँ पर डालना होता है। ये देखो यार बहुत ही बड़ा एरिया दिया हुआ है, मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर आराम से 500 से 600 बुलेट्स बड़ी इजीली आ जाएंगी। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं गाइस इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, ओ माई गॉड, ऊपर की तरफ 5 बटन्स है और यहाँ पर इसके जॉयस्टिक्स दिए हुए हैं। काफी अच्छी क्वालिटी का रिमोट लग रहा है, 2.4 GHz का। पीछे की तरफ 2 AA बैटरीज अपने को डालनी पड़ती है इस रिमोट को चलाने के लिए। और देखते हैं क्या है। अच्छा तो यहाँ पे देखो गाइस, ये इस तरह के वॉटर बुलेट्स अपने को मिल जाते हैं, इनको जो है अपने को वॉटर में डाल के रखना पड़ता है, तब जाकर ये जो बुलेट्स है काफी ज्यादा बड़ी बड़ी साइज की हो जाती है। यहाँ पर है इसकी बैटरी, देखते हैं बैटरी कितने एमएच की है। 1300 mAh की बैटरी दे रखी है, लाइपो बैटरी है। ये रहा इसका चार्जर, ओ माय गॉड कितनी ढेर सारी चीजें यार। इस टैंक को अपन जायरो सेंसर वाली वॉच से भी चला सकते हैं, वॉच की क्वालिटी भी काफी ज्यादा गजब की है। ओके अभी अनबॉक्स करेंगे आई स्पाई टैंक को। अपनी जो टैंक है देखो यार यहाँ पर क्या ही गजब की दिखाई दे रही है। बॉक्स को इधर से मैंने ओपन कर दिया, ओपन करते ही देखो यार सबसे पहले अपने को ऊपर मिलती है इसकी यूजर गाइड। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी जरूर दबा देना। ये आ चुकी है अपनी टैंक, यहाँ पर है इसका एंटीना। सबसे खास चीज इसकी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो रिट्रैक्टेबल कैमरा इसके अंदर मिल जाता है। ये जो कैमरा है ना गाइस अपन पूरी तरीके से अपने ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो डालनी पड़ती है 6 AA बैटरीज, इसी से ही ये जो टैंक है दौड़ने लगती है भाई साहब। ओके गाइस दोनों टैंक्स को यहाँ पर मैंने रख दिया है, दोनों का साइज देखो यार। अपनी ये जो फाइटिंग टैंक है थोड़ा सा साइज इसका ज्यादा है स्पाई टैंक के मुकाबले में। दोनों की सबसे खास चीजें तो मैंने आपको बता दी गाइस, ये जो टैंक है पूरी तरीके से फाइट करने के लिए बनाई गई है, ये जो टैंक है पूरी तरीके से स्पाई करने के लिए ही बनाई गई है। चलो गाइस चलते हैं बाहर फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन सी टैंक जीतने वाली है। लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस मैं आ चुका हूं बाहर, सबसे पहले अपन फाइटिंग टैंक को टेस्ट करने वाले हैं। इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की है मैं अभी आपको बता देता हूं। रिमोट तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसका, नो डाउट, पर टैंक के अंदर एक दिक्कत है, जैसे अपन इसको स्ट्रेट चलाने की कोशिश करते हैं ये चलती नहीं है यार, ज्यादातर राइट को जाती है या फिर लेफ्ट को जाती है, और स्लाइड भी बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर पा रही है। अभी देखो यार इसके अंदर मैंने डेमो का बटन जैसे ही दबाया, डेमो के अंदर ये सारी चीजें करके अपने को दिखा देती है, स्लाइड भी हो रही है और 360 डिग्री भी टर्न हो रही है। तो वैसे अभी इसके साथ जो जायरो सेंसर वाली वॉच मिली थी इसको लगाकर टेस्ट करके देखते हैं यार। वॉच तो मेरे हाथ पर काफी परफेक्ट तरीके से आ चुकी है, कंट्रोलिंग ठीक ठाक है। इसके अंदर भी देखो यार स्लाइड नहीं कर पा रही है और ना तो
360 डिग्री घूम पा रही है। इसकी कंट्रोलिंग ठीक ठाक है, बेस्ट नहीं लगी मेरे को। अभी अपन टच करने वाले स्पाई आरसी टैंक को देखो। और फोन के अंदर मैंने इसका ऐप डाल दिया है, कंट्रोलिंग काफी ज्यादा जबरदस्त है और इसको चलाने में भी बड़ा मजा आता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसकी रेंज भी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जब अपन इसको ऐप से चलाते हैं। तो इसका जायरो सेंसर मैंने ऑन कर दिया, देखो और स्क्रीन पर मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा हूँ। फोन में जिस तरफ कर रहा हूँ अपनी टैंक जो है उसी तरफ मूव करने लगती है। ये भी इसका जो फीचर है मेरे को काफी ज्यादा कमाल का लगता है। इसकी कंट्रोलिंग अपनी फाइटिंग टैंक से भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दी गई है। अभी देखो यार, अपनी फाइटिंग टैंक का अपन यहाँ पर कैनन टेस्ट करने वाले। ऊपर की तरफ ढेर सारी वाटर बॉल्स को मैंने डाल दिया है। अभी देखते हैं यार इसका कैनन कितना ज्यादा कमाल का। कैमरा के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ, देखो यार बुलेट तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ, ओ माई गॉड कितनी ज्यादा तेजी से कैमरा पर लग रही है, इम्पैक्ट काफी ज्यादा तगड़ा है। तो मेरे हाथ पर भी अभी मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्लो मोशन में बता रहा हूँ, तब जाकर देखो यार बुलेट सही तरीके से दिख रही है। यार चोट लग रही है भाई साहब, मेरे को लगा था कि बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। ओ माय गॉड हाथ मेरा दर्द हो गया यार। ये जो कैनन है रैपिड फायर भी कर सकता है। एक और चीज मैंने नोटिस की है गाइस, इसके कैनन के अंदर देखो यार इस तरह की लाइट्स वगैरह भी दी गई है, इस वजह से टैंक जो है बड़ा ही कमाल का दिखाई देता है। अभी इसके कैनन को अपन इन ग्लासेस पर टेस्ट करने वाले हैं, रैपिड फायर करके देखेंगे गाइस नीचे वाले ग्लास पर। ओ माय गॉड देखो यार क्या ही फटाफट तरीके से इसने एक ग्लास गिरा दिया, ऊपर के ग्लासेस बिल्कुल भी नहीं गिरे। तो एक और ग्लास को यहां पर अपन शूट करने वाले हैं। ये देखो भाई साहब सारे के सारे जो ग्लासेस है नीचे की तरफ ढेर हो चुके हैं। एमिंग इसकी काफी ज्यादा खतरनाक दी गई है। देखो यार जिस ग्लास पर मैं शूट कर रहा हूं वही ग्लास पर जाकर इसकी वाटर बुलेट लग रही है। अभी देखो यार यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इतनी दूर से मैं शूट कर रहा हूं इतनी दूर तक भी देखो यार इसके जो बुलेट्स है फायर कर रहे हैं इन ग्लासेस पर। यार इतनी ज्यादा कमाल की टैंक मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी है गाइस। थम्स अप है इस टैंक के लिए। तो चलो गाइस अभी अपन वापस से रोड पे आ चुके हैं, दोनों के बीच में लगाएंगे रेस, देखते हैं रेस में यहाँ पर कौन सी टैंक जीत पाती है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो अपनी जो फाइटिंग टैंक है इसके अंदर लगे हैं मैग्नम व्हील्स। ये जो व्हील्स है ना भाई काफी तेजी से रफ्तार पकड़ लेते हैं। अभी देखो और इसकी टॉप स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर तक जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जो स्पाई टैंक है ये स्लो तरीके से चलती है, क्योंकि इसको वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना होता है। क्लियरली अपनी फाइटिंग टैंक जीत चुकी है रेस में। अभी दोनों टैंक्स के बीच में आमने सामने फाइट कराएंगे, देखते हैं इस पुशबैक में यहाँ पर कौन सी टैंक जीत पाती है। दोनों के बीच में एकदम परफेक्ट टक्कर हुई है, यहाँ पे देख सकते हो और क्लियरली अपनी जो स्पाई टैंक है इसके अंदर बेल्ट लगा होने के कारण इसको काफी अच्छी खासी ग्रिप मिल रही है। ओ तेरी इसने तो सामने के व्हील्स पर चढ़ाई कर दी है, क्लियरली पावर के मामले में अपनी स्पाई टैंक जीत चुकी है। ओके गाइस दोनों टैंक्स को लेकर मैं ऑफ रोड में आ चुका हूं। अभी अपनी फाइटिंग टैंक को अपन पत्थरों पर से चलाने की कोशिश करेंगे। यहां पर मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो टैंक है पत्थरों पर से बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। इसके व्हील्स देखो यार किस तरह से स्लिप कर रहे हैं। ऑफ रोड में चलने के मामले में ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। अभी टेस्ट करते हैं अपनी स्पाई टैंक को। ये टैंक देखो यार क्या ही मजेदार तरीके से चल रही है यार पत्थरों पर से, इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बड़ी आराम से चल रही है क्योंकि इसके अंदर लगा है बेल्ट। पर इसके अंदर भी एक दिक्कत है, जैसे इसके सामने बड़ा पत्थर आ रहा है इसकी हाइट कम होने के कारण देखो यार ये भी यहाँ पर फंस रही है। अभी दोस्तों दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दी है, दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस यहाँ पर कौन जीत पाता है। यार अपनी फाइटिंग टैंक की तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है यार, इतनी तगड़ी टैंक दो बार हार चुकी है अपनी स्पाई टैंक से। ओ माय गॉड वापस से मेरे को लग रहा है कि यार स्पाई टैंक ही जीतने वाली है। देखो यार इसको वापस से बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है, अपनी स्पाई टैंक वापस से टग ऑफ वॉर में भी जीत चुकी है फाइटिंग टैंक से। देखो यार ये पूरी कोशिश कर रही है इसको खींचने के लिए पर इसको ग्रिप नहीं मिलने के कारण ये पूरी तरीके से हार चुकी है गाइस। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये तगड़ी वाली फाइटिंग टैंक पसंद है या फिर अपनी स्पाई टैंक पसंद है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है सचिन, चंदन, दर्श, रुद्रनील, मिजान, श्याम सुंदर, परवेज, श्रीकांत, आयुष, दानियाल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।